हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीरोक्स मशीन टिप्स में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नई वीडियो, जो कि HP लेजर जेट प्रो प्रिंटर आया है, जिसका मॉडल M426 यानी कि M426 और M427 प्रिंटर है, जिसमें ये नए नए एप्लीकेशन आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। तो देखिए, यह टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सपोर्टेड और प्रिंटर सिस्टम, मोबाइल प्रिंटिंग सॉल्यूशन, प्रिंटर डिसमिशंस, पावर कनेक्टेंट। देखिए, इस तरह से इसमें कई सारे नए फीचर्स आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रिंटर आया है। तो देखिए, इसमें मॉडल नेम, प्रोडक्ट नंबर, मॉडल नेम और प्रोडक्ट नंबर। तो देखिए, ये इसमें कुछ प्रिंटर के जो मॉडल हैं वो हैं, प्रोडक्ट नंबर है, ये मॉडल नेम और प्रोडक्ट नंबर। तो देखिए, ये जैसे कि इसका मॉडल नंबर M426DW। तो देखिए, मेरे पास ये तीन प्रिंटर हैं। तीन प्रिंटर के मैं बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें इसका पहला मैन्युफैक्चरर्स पेपर हैंडलिंग। तो देखिए, पेपर को हैंडलिंग किस तरह करते हैं। इसमें तीन ट्रे, जो पेपर हम सेट करते हैं, पेपर रखते हैं, उसको बोलते हैं ट्रे। तो देखिए, इसमें ट्रे हैं तीन ट्रे हैं, जिसमें पहली ट्रे में 100 शीट्स कम्प्लीटली, यानी कि पहली ट्रे में 100 पेपर आते हैं। तो देखिए, ये तीनों प्रिंटर में अवेलेबल है, तो देखिए, ट्रे नंबर दो जिसमें 250 सीट यानी 250 सीट आती हैं, तीसरी ट्रे में 550 सीट्स आती हैं, और ये डुप्लेक्स ऑटोमेटिकली है। और देखिए, कनेक्टिविटी हम इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी हाई स्पीड USB 2.0, वॉक UPSB पोर्ट। तो देखिए, हम इसे USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से और प्रिंटर को। तो देखिए, ये तीनों में अवेलेबल है, और इसे हम अपने मोबाइल की डाटा से, जो डाटा कनेक्टिंग होती है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये आप ऊपर जो तीन, इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो देखिए, ये जो दो प्रिंटर आप देख रहे हैं, राइट में निशान लग रहे हैं, इसमें तो ये अवेलेबल है 100 सीट्स, 250 सीट्स, जो 550 सीट्स वाली जो तीसरी ट्रे है वो उसमें ऑप्शनल यानी ऑप्शन के अनुसार आप इसे सेट कर सकते हो। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। इसका जो प्राइस है, प्राइस भी एकदम फिट है, सही है। इसकी प्राइस आप अमेजोन पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखें, इसके सारे मैन्युफैक्चरर्स मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएँ, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भी मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों आपके लिए। तो देखिए, ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको इस प्रिंटर के बारे में मालूम पड़ेगी कि इसमें कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स आए हैं नए। बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। तो देखिए, इसमें तीन प्रिंटर आप देख सकते हो, M426, 27 और तीसरा प्रिंटर है इसमें। तो देखिए, जिसमें जो नॉट अवेलेबल लग रहा है, इसमें ये ऑप्शंस नहीं है। देखिए, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल पैनल जिसकी डिस्प्ले है वो कलर टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल, जो टच स्क्रीन होती है, जिसका पैनल होता है, जिससे हम पूरी मशीन को हैंडल करते हैं, वो पूरा टच है, जो कि कलर में है। जो वाईफाई कनेक्टेड है, आप वाईफाई से कनेक्टेड कर सकते हो इस प्रिंटर को, मोबाइल से और टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकते हो, और इसे USB लीड लगा के भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। ये तीनों प्रिंटर में अवेलेबल है। तो देखिए, इसकी स्पीड आप देख सकते हो, 38 पेज प्रति मिनट, A4 साइज में जो पेज चलता है हमारा, 38 पेज प्रति मिनट। तो देखिए, बहुत ही अच्छा है। इसमें फैक्स की सुविधा नहीं है, कॉपी एंड स्कैन। देखिए, आपको कॉपी एंड स्कैन अप टू 26 पेजेस पर मिनट, 26 पेज 1 मिनट में आप स्कैन कर सकते हो इस प्रिंटर से, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी स्पीड है इसकी। तो देखिए, और 50 पेज डॉक्यूमेंट फीडर
विद डुअल हैंड स्कैनिंग, दोनों तरफ से जब आप दोनों तरफ से स्कैन करोगे तो जो 50 पेज होंगे, 50 पेज दोनों तरफ से आप स्कैन कर सकते हो। तो देखिए 50 पेज डॉक्यूमेंट फीडर सिंप्लेक्स कॉम्पिंग एंड स्कैनिंग। देखिए जो 426 DW प्रिंटर है उसमें ये अवेलेबल नहीं है, बाकी के दो नीचों में है, नीचे के में है वो उसमें नहीं है। तो देखिए सपोर्ट ऑप्शनल सिस्टम, तो इस तरह से आप इसमें CD भी डाउनलोड कर सकते हो प्रिंटर में। CD का जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में इसका जो सॉफ्टवेयर आता है वो इंस्टॉल करके इसे चला सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर इंस्टॉल्ड। तो देखिए इसमें विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो सर्वर, इसमें आप इस तरह से अपने कंप्यूटर में इसकी जो कॉपी होती हैं, जो इसके सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इस प्रिंटर को यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही अच्छे अच्छे आए हैं, बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर से, सिस्टम से या अपने मोबाइल से इस प्रिंटर को आप सेट कर सकते हो। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, दोस्तों वीडियो पूरा देखें। तो देखिए अब इसमें मोबाइल प्रिंटिंग सॉल्यूशन, अगर आप मोबाइल से इसे कनेक्ट कर सकते हो तो वो भी हो जाएगा वाईफाई कनेक्टेड, जो होता है ना वाईफाई, आप चलाते हो वाईफाई से हॉट अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट खोल के और प्रिंटर का वाईफाई ऑन करके तो दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरह से आप मोबाइल को करते हो उसी तरह इसका भी एक नंबर होता है, प्रिंटर डिसमिशन फिगर नंबर 1। तो देखिए आप ये हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर ये वाला है M427 और M426, ये प्रिंटर का स्केच है। तो देखिए आप देख सकते हो इसकी हाइट 452 यानी 452 mm। जब ये पूरा बंद रहेगा, इसे जैसे ढक्कन को खोल दोगे, ऊपर वाले को ट्रे को खोल दोगे, तो इसका साइज हो जाएगा आपका, जैसे देख रहा है प्रिंटर फुली ओपन, यानी कि प्रिंटर को पूरा खोल दोगे तो 477 यानी सॉरी 577 इसका ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे, बहुत ही अच्छा है, इसमें 550 सीट्स इसकी ट्रे में आ सकती हैं। ये दूसरा नंबर आप देख सकते हो फिगर नंबर 2, इसमें इसकी जो ट्रे होती है, ट्रे इसमें कागज़ हम लोड करते हैं, 550 यानी 550 सीट्स आ सकती हैं इसमें। देखिए ये, देखिए ये दूसरा प्रिंटर, ये दूसरे प्रिंटर के बारे में आपको दिया है, हाइट इसकी 131 mm और डेप्थ जो कि इसकी डेप्थ होती है गहराई, गहराई आप देख सकते हो, चौड़ाई भी देख सकते हो। देखिए ये प्रिंटर दूसरा, तीसरा फिगर तीसरा। तो देखिए इसकी जो कैसेट्स हैं, दो कैसेट हैं तीन और ढक्कन है इसका। तो देखिए इसमें ये काफ़ी अच्छा है इसका, देखिए वेट इसका 16 kg यानी 16 किलो। आप इसका वेट देख सकते हो, हाइट देख सकते हो, गहराई देख सकते हो और चौड़ाई भी देख सकते हो इस प्रिंटर की। तो देखिए ये प्रिंटर इतना हल्का है कि इसे ना सिंगल बंदा भी आराम से इधर उधर उठा सकता है, चाहे जैसे उठा सकता है। तो देखिए ये होता है प्रिंटर सीरीज, ये इसका प्रिंटर सीरीज है। देखिए M426, M427 और प्रिंटिंग जब करता है तो उसका जो बिजली का जो लाइट का वेट होता है 600, रेडी होने के लिए 10.5 वाट, स्लीप जब स्लीप स्टैंड पे होता है तो इसका 9.5 वाट और मशीन बंद होती तो 0.1 वाट। देखिए तो इसमें और ऑप्शन आप देख सकते हो, स्पीड इज 38 पर पेज पर मिनट A4 साइज की, 1 मिनट में 38 पेज प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज। तो देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें। तो देखिए ये इसका टेम्परेचर आप देख सकते हो, टेम्परेचर भी 17.5 डिग्री सेल्सियस से लेके आप 25 डिग्री सेल्सियस तक इसे रिकमेंडेड कर सकते हो, और अलाउड इसका 15 to 32 यानी 15 to 32 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये इसका ना टेम्परेचर भी ठीक है, इतना तो होता ही है, ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। और ये
काम भी बहुत अच्छे से करता है। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।